गाइस, अभी अभी न्यूज़ आई है कि मीनो रायोला हैज़ पास्ड अवे, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे डाइजेस्ट करूँ न्यूज़ को। मीनो रायोला, सबसे पहले तो मतलब मुझे बहुत ख़राब सा लग रहा है, क्योंकि जब हमारे सामने कोई बंदा होता है ना, और हम उसके बारे में कुछ भी मतलब गलत बात बोलते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ बोलते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, एंड वेन ही इज़ नो मोर, तो आपको बहुत गिल्टी फील होता है। तो अभी मुझे भी ना कुछ वैसा सही फील हो रहा है। मतलब मैंने बहुत वोकल रहा हूँ मैं मीनो रायोला के अगेंस्ट, की मतलब जिस तरीके की उनकी पॉलिसीज रही हैं और जिस तरीके का वो इस्तेमाल किया करते थे प्लेयर्स का लेवरेज करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू गेन द लेवरेज आउट ऑफ द क्लब्स फाइनेंशियली। अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि वेन अ पर्सन इज नॉट देयर एनी मोर ना, तो आपको लगता है कि यार क्यों मैंने मतलब इस बंदे के बारे में इतना खराब बोला। मतलब नाउ इट डज नॉट मैटर एनी मोर, थॉट्स गो आउट टू मीनो रायोला एंड हिज फैमिली। भाई मतलब जैसे भी थे वो, मतलब ही वॉज दी सुपर एजेंट। चाहे हम मतलब किसी की भी बात कर ले, अगर हम सुपर एजेंट्स की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही नाम आते हैं दिमाग में, एक मीनो रायोला और एक होर्गे मेंडिस। तो मीनो रायोला मतलब पायनियर थे, जिस तरीके से मतलब प्लेयर्स के करियर्स को आप सेट करते हैं, एक पाथ आप सेट करते हैं उनके लिए, और जिस तरीके से आप मतलब पूरी कोशिश करते हैं कि एक प्लेयर के लिए कैसे आप उनके लिए फाइनेंशियली जो है चीज़ों को सही कर पाएं। अब मतलब आई नो कई लोग बोलेंगे कि यार अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो काफ़ी वोकल थे उनके खिलाफ, लेकिन यही एक सीख है जो आज मैंने ली है। मतलब दिस इज अ लेसन, मैं ये अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ लेसन इन लाइफ, कि जब कोई मतलब नहीं रहता है और कोई ह्यूमन बीइंग मतलब जब होते हैं आपके सामने और आप उनके बारे में बहुत सारी कई चीज़ें बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, एंड सडनली ही इज़ नो मोर, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपने क्यों किया वो सब। और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ का गिल्टी फील कर रहा हूँ आज, और बहुत लोग कर रहे होंगे। मतलब मीनो रायोला वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट रिसीव्ड वेल वेन ही वॉज अराउंड, लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है सुन के। मतलब लिटरली मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक कि ये न्यूज़ सच है, दैट ही इज़ नो मोर विद अस। मतलब मैं एब्सोल्युटली स्पीचलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये हम सबके लिए एज ह्यूमन बीइंग्स एक लेसन है कि लाइफ में ना कुछ भी मैटर नहीं करता। हम कहते हैं ना यार बड़ी जल्दी हम मतलब किसी चीज़ को लेके लोड ले लेते हैं लाइफ में, उसने मेरे को ये बोल दिया, यार उसने तो मेरे फेवरेट प्लेयर के लिए ये कह दिया, मैं ऑफेंड हो गया। नथिंग मैटर्स भाई जब ह्यूमन लाइफ की बात आती है तो, और बहुत शॉर्ट टर्म है सारी चीज़ें, कुछ नहीं मैटर करेगा इन दी एंड। और मतलब सही बता रहा हूँ मैं, और मीनो रायोला का इस तरीके से मतलब चले जाना, मतलब एक ह्यूमन लेवल पे तो है ही बहुत बड़ा, मतलब एक मतलब उनकी जो फैमिली है, उनके फ्रेंड्स होंगे, जो उनके क्लोज वंस होंगे, जो रिलेटिव्स होंगे, उन पे क्या बीत रही होगी, लेकिन एक फुटबॉलिंग टर्म्स में भी मैं बोलूँ तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मीनो रायोला कैसे भी थे, लेकिन हमको एक बात का उनको क्रेडिट ये देना चाहिए कि ही वॉज द पायनियर ऑफ मेकिंग द प्लेयर्स दैट दे आर टूडे। ही वॉज अ सुपर एजेंट, और कैसे एक प्लेयर का करियर आप जीरो से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं, मीनो रायोला उसके एक्सपोनेंट थे। और बहुत सारे जो एस्पायरिंग स्पोर्ट्स एजेंट्स हैं और प्लेयर्स जो हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, मीनो रायोला डेफिनेटली उनके आइडल रहे होंगे कहीं ना कहीं। और अगर आप मीनो रायोला की लाइव स्टोरी पढ़ें जो टीफो फुटबॉल पे भी अवेलेबल है, तो कैसे वो एक फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट में, एक छोटा सा फैमिली ओन्ड रेस्टोरेंट था, उसमें वो वेटर का काम किया करते थे पिजेरिया में इटली में, वहाँ से उन्होंने एक अपना मकाम बनाया लाइफ में, अपना नाम कमाया फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, और किस तरीके से वो एक बहुत बड़ा नाम बन गए फुटबॉल में, ग्लोबल फुटबॉल में, और अब क्लब्स को उनकी बात मानने पे उन्होंने मजबूर कर दिया। तो एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है, उनकी जर्नी है। ऐसा नहीं था कि मीनो रायोला बहुत प्रिविलेज थे और या बहुत एफ्लुएंट बैकग्राउंड से थे, उनके भी काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं। वो जैसे भी थे मतलब वो एक कैरेक्टर थे, मैं उनको मिस करूँगा। और बस मैं यही बोलना चाहता हूँ गाइस कि इसको ना एक लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचें आप। बहुत मतलब हम ना छोटी छोटी बातों को लेके दिल से लगा लेते हैं, कुछ नहीं मैटर करेगा इन दी एंड, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है एक दिन, कुछ नहीं बचेगा, और हम ना बस लड़ते रह जाएंगे आपस में। तो जब तक हम हैं यहाँ पर, जितना हो सके हारमोनियसली रहें, एक दूसरे को प्यार करें, और मतलब यही कहना चाहता हूँ कि आई फील वेरी सॉरी जो आज तक मैंने बोला था मीनो रायोला के लिए, क्योंकि
मतलब मेरे को बहुत खराब लग रहा है अब कि मैं क्यों इतना ज्यादा किसी बंदे के लिए बोल रहा था जिसको मैं जानता भी नहीं था इतना, लेकिन अब देखिए वो नहीं है तो मुझे बुरा भी उतना ही लग रहा है। तो पता नहीं भाई, आई एम स्पीचलेस। माय रिस्पेक्ट एंड थॉट्स गो आउट टू मीनो रायोला एंड हिज फैमिली। बस यही बोलना था मुझे। टेक केयर गाइस, बाय।